बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अल-हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग जी। तो दो दिन बाद यहाँ फिर आना हुआ, साथ ही है हमारे ऑफिस के। तो क्या पोजीशन है गाड़ी के अभी बताते हैं। एक्सटर्नल अभी ये देखें, इन्होंने कुछ ऊपर से इसका जो पेंट पुराना है ना वो ये यहाँ से कोई उतारा है, ये वाला ये भी उतार दिया। ऊपर कोई मजून वगैरह कुछ लगाया है ना, ने जो इसका गाड़ी का कुछ टुकड़े वगैरह होते हैं। और ये बम्पर ये लगा दी है पीछे का, ब्लैक कलर है, लेकिन ये लाइट्स उतारी हुई हैं क्योंकि अभी इसका पेंट का काम शुरू हो रहा है ना। तो अभी इस बम्पर को भी प्रॉपरली अभी 100% इसकी फिटिंग तो तभी होगी जब इसके ऊपर ये लाइट्स वगैरह, क्यों ये देखें अभी ये थोड़ा इसका रहता है ये ऐसे पीछे, और यहाँ पर लाइट्स इन्होंने लगा दी थी उतार दिए। ये क्रोम के जो इसका लगा होता है, और यहाँ से देखें जी ये भी इसका होगा, ये जल गई हुई जगह यहाँ से थोड़ी। उसके बाद में ये यहाँ पे ये क्रोम की ये पट्टी सी लगी होती है वो उतारी। उसके बाद में ये इन्होंने इसका भी डेंटिंग पेंटिंग का समझो काम जो है ना अभी चल पड़ा है। तो ये पीछे इसका ये रबर सा है, ये यहाँ से थोड़ा सा ना ये इसको भी मरम्मत लगेगी। अभी ये पुराने ही लगा रहे हैं, नया नहीं लगा रहे, लेकिन इसको पूरा इन्होंने कवर करना है। इसी तरह ये आगे वाला बम्पर है वो भी नया लग गया हुआ है ब्लैक, इसके ऊपर ये पेंट होगा। और आगे की दोनों लाइटें हेडलाइट्स दोनों चेंज हुई हैं, ये देखें नई लगी। और ग्रिल, ये ग्रिल, ये लाइट हेडलाइट भी चेंज होगी। और उसके बाद में यहाँ पे एक ना ये पीस ये कुछ लगते हैं, ये भी लगेंगे इधर भी उधर भी। इसके वाइपर भी चेंज करवा देंगे, वाइपर भी पुराने हो गए हैं ना, हार्ड हो जाते हैं पुराने हो के। उसके बाद में ये इसका नीचे के कवर ने ये टूट गए, ये शाख देखे नए लगे हैं, इसके आगे के दोनों शाख नए डले हुए। ये रबर जो है ये भी निकलेगा और नया डलेगा, ठीक है जी। ये इसकी इंडिकेटर की लाइट है, और काफ़ी अभी इसका काम रहता है ये कवर। इसके अभी डेंटिंग पेंटिंग के लिए बस ये रेडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी इस छोटा सा स्मॉल सा एक व्यू बना के मैं आपको दिखाऊं। ये इसका अंदर से तो गाड़ी हमारी ये देखें, ये यहाँ पे भी कुछ लगना है इसका, अभी लॉक है गाड़ी। अंदर से तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये देखें अंदर से सीट कवर वगैरह ना पूरे नए डलवाए थे इसके। तो कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जो इसके ना, इनको मैं साथ साथ आके बताता रहता हूँ, देखता हूँ। एक तो साथ साथ पता चलता रहता कि गाड़ी में कौन सा काम हो रहा है और कौन सा कोई रह ना जाए। बाद में फिर अगर बाद में आएंगे एक ही बार देखेंगे तो ये लोग बोल देते हैं कि आप जी पहले नहीं हमको ये बताया, तो इसके लिए दोबारा हमें खोलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ चक्कर लगाता रहता हूँ और आके इसको देखता रहता हूँ कि ये कहाँ तक इसका प्रोसेस इन्होंने पहुँचाया। और साथ साथ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद फिर जैसे ही वीडियो ख़त्म करूँगा तो इनको बुलाऊँगा, इनके मैनेजर को, और फिर उससे डिस्कस करूँगा कि अभी कहाँ तक काम पहुँचे। और इसमें अभी मुझे एक आध और ऐसे यानी कि पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट दो और मिले हैं जो शायद वो उसके नॉलेज में ना हो, और मैं उनको बताऊँगा कि ये चीज़ भी करनी है। तो बाद में फिर अगर इनको वो बताएँगे तो ये लोग फिर उसके चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ एक्सप्लेन करती है। पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस कराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको खुद खड़ा होकर उसको फॉलो करें, उसको चेक करें, तो फिर ये भी ऊपर का इन्होंने इनसे ये टूटा हुआ नहीं था, अभी टूट गया भाई। ये देखें ये वाला ये इसका एंटीना था वो टूटा, पहले से ही था, अभी ये एंटीना भी नया लगेगा। देखें जी अभी जब मैं बात करूंगा इनसे तो इन्होंने कहना है ये पहले से टूटा हुआ था, ये इसका नया लगेगा, ये वाला ये साइड, ये देखें ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी लगानी है, इसकी फिटिंग वगैरह। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका जो भी काम होगा ना साथ साथ इसकी डेंटिंग पेंटिंग का मैं और बताऊँगा आखिर में इंशाल्लाह कि कितना हमारा ख़र्चा आ चुका है इस पर, और फिर देखेंगे हम अगर रखनी है गाड़ी तो रखेंगे भी, और सेल करनी है तो इसको सेल भी करेंगे। तो देखेंगे कि उसमें कितना हमारा ख़र्चा है और कितने में हमें सेल करनी चाहिए,
टीडा 2008 मॉडल गाड़ी है। तो जो मेरे दोस्त देख रहे हैं ना, किसी ने लेनी हुई ना, अभी देख रहे हैं, सारी पोजीशन आपके सामने रहेगी इस गाड़ी की, कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी। इंजन ठीक है, ज़बरदस्त है, टायर वगैरह अभी ठीक है, बाद में देखेंगे चेंज करवाएंगे, अभी देखें टायर ज़बरदस्त है, गुडियाँ वुडियाँ टायरों की सही है। ओके जी, ज़्यादा चाहेंगे अभी तक का ये वर्कशॉप से रिलेटेड इतने था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।